ये रही अपनी बॉस, एंड बॉस के अंदर में ये रहा इसका ओरिजिनल रॉयल एनफील्ड का लेग गार्ड। क्या होती है मैम? कुछ कंडीशन होती है सर। तो अच्छा, कंडीशंस होती हैं। होने दो, हो जा हो जा हो जा। और जब बाइक ऐसे में हो ना तो बहुत ज़्यादा रेस मत दो। कितना लारी का? तो यार ये टूट गया, बिना बाइक गिरे टूट गया सर। हाँ जॉइंट इनका भी टूट गया, लेग गार्ड आपका भी टूट गया। और इस सारी घटना से ये तो भाई कंफर्म हो चुका है कि जो अब क्वालिटी बन के आ रही है पीछे से रॉयल एनफील्ड से, वो अच्छी नहीं आ रही है। Let me take you back to when I was a youngin, everything was simple, I ain't worrying about nothing. तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? मैं हूं आपका उस्तान दोस्त हर्षानी। तो आई होप आप सब लोग अच्छे हो गए, बढ़िया हो गए और मज़े में हो गए। और ये वाली जो हमारी स्टार्टिंग है, काफ़ी दिनों से एंडिंग थी, मतलब चल नहीं रही थी, आ नहीं रही थी, क्योंकि हमारी ट्रैवल सीरीज चल रही थी और वो आई होप आप सबने एंजॉय करी होगी। अगर वो नहीं देख लिया ना तो आई बटन में लिंक आ रहा, जाके देख लो। और आज की वीडियो का जो थंबनेल टाइटल आप लोगों ने देखा है, मोटो व्लॉग करेंगे, शोरूम जाएंगे, क्या पूरा मसला है आपको बताता हूँ। उससे पहले दिखाता हूँ क्या हुआ है एक्चुअल में। तो भाई ये रही अपनी बॉस, एंड बॉस के अंदर में ये रहा इसका ओरिजिनल रॉयल एनफील्ड का लेग गार्ड। लेग गार्ड के ऊपर देखो ब्रांडिंग हो रखी है, और आज तक मेरा लेग गार्ड कभी भी नहीं गिरा, टच कोट ना मेरी बाइक गिरी है। ये जो स्क्रैचेस है थोड़े बहुत, जैसे हाथ पैर मिट्टी पत्थर वत्थर, उससे लगे गिरने के कोई भी स्क्रैचेस कहीं भी नहीं है लेग गार्ड के ऊपर में। और मैं जब, जैसा आप लोगों को बताया, गया हुआ था कसौल, एंड जब वहाँ से आया तो मैंने देखा ये बाइक के अंदर क्या हो रखा है। तो ये देख रहे हो आप, ये जो लेग गार्ड है पूरा यहाँ से टूट चुका है। और ये एक्चुअल में टूटा नहीं है, अंदर से अगर आप देखो तो बिल्कुल खोखला है। ये देखो बिल्कुल खोखला है, और मतलब क्या बिल्ड क्वालिटी यार रॉयल एनफील्ड बना रही है, मैं तो देख के हैरान हो गया हूँ। 3,500 रुपये का मैंने ओरिजिनल लगवाया था, और मुझे मतलब बाइक गिरी भी नहीं, क्रैश भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बाइक चली 5,500 किलोमीटर है और उसके अंदर में ही ये लेग गार्ड टूट चुका है। तो भाई मैं क्या ही बोलूँ, तो मेरी तरफ से बहुत 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 बड़ा थम्स डाउन है रॉयल एनफील्ड को। अभी मेरा फाइनल यहाँ पे जजमेंट या फाइनल मैं अपना कुछ भी नहीं बोलूँगा, अपना एक्सपीरियंस अभी आप लोगों को, अभी अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूँगा। अभी मैं जाऊँगा रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर, सर्विस सेंटर में नहीं एक्चुअल में शोरूम जाऊँगा, क्योंकि जब मैंने बाइक ली थी तो शोरूम से ही ये लगवाया था। इसका प्रॉपर बिल भी मेरे पास है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और जाने से पहले शोरूम में कॉल करते हैं, उनसे पूछते हैं उनका क्या कहना है, क्या वो हमें ग्रीट करते भी है या नहीं करते इस टूटे लेग गार्ड को देख के। तो अगर वो उखाड़ के ही फेंक दे उसको, मतलब इतना मूड ख़राब सा हो रहा ना, बाइक चलाने का मन भी नहीं करता। हाँ जी मैम, मैम मैं हर्ष बोल रहा था। मैंने अभी 6 महीने पहले अपनी बुलेट के अंदर में लेग गार्ड लगवाया था आपसे, तो मैम वो ना टूट गया है, मतलब कोई भी बाइक के अंदर फॉल नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, वो जस्ट जॉइंट से टूट चुका है। क्या होती है मैम? कुछ कंडीशन होती है सर। अच्छा, कंडीशन होती है, ठीक है, मुझे नंबर दीजिए, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। तो भाई उन्होंने हमें अभी एडवाइज़र का नंबर दिया है और बोला कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है उसकी, तो वो भी देख लेते हैं क्या है, कॉल करते हैं एक बारी। तो भाई अब फ़ोन करते हैं उनके एडवाइज़र को और पूछते हैं। हेलो जी सर। हाँ जी सर, राम राजेश से बोल रहे हैं। जी सर। सर मैंने ना लेग गार्ड लगवाया था आपसे 6 महीने पहले, जी जी, ओरिजिनल रॉयल एनफील्ड का जी। सर वो ना टूट गया, मतलब आप मानो बाइक गिरी भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, और जैसे जॉइंट से वो टूट चुका है। कोई इशू नहीं सर, एक बार आप बिल लेके आ जाइए मेरे पास। हाँ लेता, तो मैं सर शोरूम में ही आऊँ? शोरूम से लगवाया था आपने, सर्विस सेंटर? मैंने सर शोरूम से लगवाया था। तो एक बार शोरूम में आना पड़ेगा आपको। ठीक है सर, मैं अभी शोरूम ही आ रहा हूँ आपके पास हाफ एन आवर में। ठीक है, मैं सर्विस सेंटर में, बट शोरूम में भाटिया जी मिलेंगे आपको, उनसे बात। अच्छा, भाटिया जी से बात करनी ना। हाँ ठीक है सर जी, ओके थैंक यू। ओके। तो भाई चलते हैं शोरूम में, और जाने से पहले हमारा मोटो व्लॉग का जो सेटअप है ना, वो भाई आप मानो टूट गया था मनाली में, जब मैं बाइक पे रखा था हेलमेट और बाइक से गिर गया था तो सेटअप टूट गया था। तो अभी पहले माउंट लेने चलते हैं, वो लेके आते हैं, बाइक को ऑन करते हैं, और ऑलमोस्ट महीना हो चुका है मैंने बाइक नहीं चलाई है, तो उसको चलाते हैं, शोरूम चलते हैं एंड देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। सो लेट्स गो। बस फाइनली आधे घंटे के बाद मैं जा करके जे माउंट ले आया हूँ, और जो मेरे फ्रेंड की शॉप थी वहीं से, एक्चुअल में वो ऑनलाइन करता है लेकिन उसने मुझे ऐसे ही दे दिया। और ये जो जे अमाउंट है ना, बहुत ज़रूरी है मोटो ब्लॉग में। और अब जो एंगल बेसिकली आएगा ना, वो थोड़ा अलग आएगा, मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ अपने हेलमेट के माउंट के अंदर में। तो आप सब लोग आज के मोटो ब्लॉग में बताना कैसा लग रहा है, और मोटो ब्लॉग काफ़ी दिनों बाद बॉस के ऊपर आ रहा है, मैंने बहुत मिस करा है। बाकी बातें बाइक के ऊपर करते हैं, मैं जल्दी से उसको फिट करता हूँ। सो गाइस, फाइनली मैंने बॉस को जैसे जैसे करके थोड़ा बाहर की तरफ निकाला है, और आगे वाले टायर में बिल्कुल भी हवा नहीं है, और लेग गार्ड यहाँ से टूटा हुआ है, तो मुझे बहुत देख के बाइक चलानी पड़ेगी, कहीं गिरी ना जाए। और हवा दोनों टायर्स में कम है, सीट का रिस्पांस अच्छा है, लैमिनेशन बाइक की ख़राब हो रही है, तो डेफिनेटली भी बहुत जल्दी चेंज होगी, और बॉस को एक डिफरेंट और बहुत अच्छा लुक दिया जाएगा। अब से जो व्लॉग्स आएंगे वो सारे बॉस के ऊपर में ही आएंगे, क्योंकि भाई अपना जो धर्म है ना वो यही है, और अपने को यही करने में मज़ा आता है यार। तो चलो बाहर निकालते हैं, लग गार्ड देखो कैसे हिल रहा है। शिट यार,
क्या चीज बना रही है यार कंपनी। सेल्फ तो देना अच्छा नहीं होगा, हम सेल्फ नहीं देंगे, हम किक से स्टार्ट करेंगे इसको। और इसका स्टैंड भी जाम हो चुका है, देखो बहुत टाइट हो चुका है। और मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब सी होगी आज, क्योंकि मुझे जो है थोड़ा बहुत कोल्ड सा है। चलो यार इसको स्टार्ट करा जाए। हो गई एक एक में, ऑलमोस्ट एक महीने के बाद में बाइक को स्टार्ट करने वाला हूँ। लेट्स सी स्टार्ट होती है या नहीं। सेकेंड किक में हल्की हल्की बंद हो जाएगी, अभी पता था। कोई नहीं, ठंड का टाइम है, होने दो, हो जा हो जा हो जा। और जब बाइक ऐसे में हो ना तो बहुत ज़्यादा रेस मत दो, किक दो। और राइट तरीका क्या है, बिल्कुल हल्का हल्का रेव दो, बिल्कुल हल्का, बिल्कुल हल्का 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 करके बढ़ाओ। और इतने पे ही रखो आरपीएम, ज़्यादा मत बढ़ाओ, ज़्यादा रेस भी मत दो बाइक को, उससे क्या होगा बाइक के जो पिस्टन है वो बैठ जाते हैं। इसलिए कहते हैं बाइक ऑन करते भगानी और वो रेस नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बाइक चली नहीं है, ठंड का टाइम है तो बहुत ज़्यादा ही ठंडी हो जाती है। और प्लस ऑयल लेवल भी बिल्कुल ख़राब है, बाइक की सर्विसिंग भी अभी बाकी है, तो बहुत कुछ अभी बाकी है यार बाइक के अंदर। और मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है, मतलब लिटरली मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। और यही रीज़न था मैं इतने टाइम से बाइक को चला नहीं रहा था। चलो अब बाइक गर्म हो चुकी है, इसको दो चार मिनट गर्म होने देते हैं और पेट्रोल भी डलवाएंगे क्योंकि बाइक रिजर्व पे है। सो चलो ये क्या समझदार लोग हैं, गेट पे गाड़ी लगा गए हैं यार। भाटिया जी कहाँ पे? आप ये मास्क पहचान, अंकु मैं आपसे ना लेग गार्ड लगवा गया था मार्च में, टूट गया यार बिना बाइक गिरे। कहाँ से टूटा? यार जॉइंट से टूटा, मैं लाया देखो। गोविंद गोविंद आप भैया, मैंने लेग गार्ड लगवाया था मार्च में ओरिजिनल आरी का, तो यार ये टूट गया बिना बाइक गिरे। टूट गया सर? हाँ जॉइंट से, एयर फ्लाई है ना, ब्लैक वाला लगवाया था। मैंने कहा यार सॉलिड होगा, ये तो खुद को ही नहीं संभाल पाया। तो भाई आप नीचे करिए। हाँ नीचे करिए, ये भाई ये देखो, ये बाइक गिरी भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, खड़ा खड़ा टूटा। देखो बाइक का गिरने का निशान है, कुछ भी हो। चलो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, जैसा होगा आप लोगों को अपडेट कर देंगे। इनका भी टूट गया लेग गार्ड, आपका भी टूट गया? तो भाई देखो एक बाइक और आई हुई है, इसका लेग गार्ड भी टूट गया। कहाँ से टूटा आपका? अच्छा ये क्रैक पड़ा ना, मेरा भी यहीं से पूरा टूट गया, ढीला होगा। मैं बोला चल इसको सुबह टाइट कर दूंगा, मैं देखा कि क्रैक है, मैं सोचा कि इसको अब क्या करूँ, लेकिन फिर मैंने पहले मेरे दिमाग में आ रहा था कि मैं इसको वेल्डिंग ही कर देता हूँ, स्टील आर्गन वेल्डिंग कर देता हूँ, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया तो मैंने वहाँ सर्विस सेंटर में फ़ोन किया, बोले कि नहीं सर आप वहाँ चले जाओ। तो भाई मैं हूँ अभी रॉयल इनफील्ड के शोरूम में, जहाँ से मैंने लेग गार्ड लगवाया था, टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, तिलक नगर में लांबा इंटरप्राइजेस में। और यहाँ पे मैं उम्मीद के साथ तो यही आया था कि रिप्लेस हो जाएगा लेग गार्ड, और मेरी उम्मीद में वो कह तो रहे हैं, जायज़ है कि वो करेंगे रिप्लेस, और कह रहे हैं ऐसा हमने कभी देखा तो नहीं है, बट आई एम श्योर ऐसा होता है, क्योंकि मेरे सामने ही एक अंकल जी और आए हुए थे, उन्होंने भी फरवरी के अंदर में ही लेग गार्ड लगवाया था और उनका भी टूट गया, मतलब क्रैक आना शुरू हो गया, तो वो ऑब्वियसली एक डेढ़ महीने में टूट जाता। तो आप लोग भी चेक करो, अगर आपके लेग गार्ड में ओरिजिनल लेग गार्ड में कहीं भी क्रैक आ रहा है तो जाओ उसको रिप्लेस कराओ, और अगर नहीं करे तो फिर उन्हें ये वीडियो दिखाना कि भाई यहाँ पे तो ये रिप्लेस हो रहा है, और फिर बस देखते हैं फिर क्या होता है, मेरा रिप्लेस हो जाए फिर आगे बातें करते हैं, क्या पता ना हो। और इस सारी घटना से ये तो भाई कंफर्म हो चुका है कि जो अब क्वालिटी बन के आ रही है पीछे से रॉयल इनफील्ड से, वो अच्छी नहीं आ रही है। तो रॉयल इनफील्ड को डेफिनेटली इस चीज़ में देखना चाहिए। अगर कोई भी रॉयल इनफील्ड से वीडियो देख रहा है तो मेरा कोई भी हेट कमेंट नहीं है, एक एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है कि प्लीज़ अपनी क्वालिटी को अच्छा कीजिए, सर्विस तो आपकी अच्छी है और अच्छा कीजिए, लेकिन बस ये कहना चाहूँगा कि भाई अगर रिप्लेस हो जाएगा तो अच्छी बात है, मेरे को जो 3500 रुपये मैंने खर्चे हुए एटलीस्ट मेरे को दुख नहीं होगा कि भाई वेस्ट हो गए, बस देखते हैं। ये है अपना नया लेग गार्ड और ये आ चुका है एयर फ्लाई रॉयल इनफील्ड, यहाँ पे ब्रांडिंग, धागा वो होगा ना वो उतार के दे देना,
तो भाई ये रहा अपना लेग गार्ड आधा और आधा बोरा। इसको निकाल लेता हूँ, एक मिनट पकड़ो भाई, ये नज़र ना लगे इसलिए मम्मा ने लगाया था, इसलिए मैंने उठा के रख लिया। आवाज़ बहुत ज़्यादा है बाइक पे मिलते हैं, जैसे लेग गार्ड फिक्स हो जाता है। फाइनली अपना लेग गार्ड लग चुका है, मैं बोलना चाहूँगा न्यू लेग गार्ड लग चुका है, और वो रॉयल एनफील्ड ने मुझे यहाँ पे शोरूम में रिप्लेस करके दे दिया जस्ट बिकॉज ये टूटा था। और भाई रॉयल एनफील्ड को बहुत बड़ा थम्स अप है मेरी तरफ से, बैठते हैं बाइक के ऊपर और चलते हैं आगे। मैं लोगों को यही रेकमेंड करता हूँ कि भाई बुलेट ले, मैंने अपनी बुलेट पे भी चेंज जान के कराया हुआ है क्योंकि पैर नहीं पहुँचते हैं। तो पैर में भी तो तेरे मैं हाइट आपकी मेरी सेम है देखो, हाँ तो पैर नहीं पहुँचेंगे तो बेकार है, बेकार है वही बात है। अब आप चलाओगे ना, ये चला के आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप चलो बिल्कुल अच्छे से चल रहा है। एक्चुअली कुछ नहीं होगा, जैसे आपकी कंपनी की सीट उतरेगी, अच्छा ठीक है, उतर के वहीं पे पेज पे आपको कोई कुछ नहीं करना, मैं आपको सीट दूंगा, ये वाली अगली और पिछली दोनों सीटें दूंगा, ठीक है। आप ये वाली सीट जो है उसके ऊपर लगाओगे, पेज कसोगे, चलो। तो भाई वो जो अंकल जी थे ना वो आए और बाइक की सीट को देखा और कहते वाह यार ये तो बहुत अच्छी सीट है, मैं भी ऐसी सीट बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को जो क्लासिक ली है उनकी ये क्लासिक खड़ी है, कह रहे मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता इसके ऊपर, तो ये वाली सीट के ऊपर उन्होंने बैठा और बैठ के देखा तो उनको काफ़ी अच्छा लगा, तो मेरा नंबर वंबर ले गए, कह रहे मुझे ले लूँगी तो मैं आपसे ही बोलूँगा। तो चलो चलते हैं आगे, लेग गार्ड चेंज हो चुका है और बाकी बातें बाइक के ऊपर करते हैं। और एक चीज़ दिखाऊँ, माँ का प्यार ये है, ये है जब मैंने बाइक खरीदी थी तो मम्मा ने लेग गार्ड के ऊपर लगाया था, और ये लेग गार्ड के ऊपर दोबारा लगवाएंगे। ये बात हो, ये वाला नहीं तो नहीं है, तो मैंने कहा लेग गार्ड उतर रहा है तो ये रख लेते उतार के। चलो Drama set it off and everybody from my city watching everything I'm doing hoping that I'm gonna lose it I won't ever fall